देखें डब्बी है जी, बहुत प्यारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज का व्लॉग करते हैं हम शुरू। मेरे बाल थोड़े से बिखर गए हैं, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो आज बिट्टी के लिए एक स्पेशल सरप्राइज़ है, तो वो सरप्राइज़ लेने चलते हैं और बिट्टी को देते हैं सरप्राइज़। कौन सा सरप्राइज़? आए, यही तो बता दिया तो सारा काम खराब हो जाना है ना। सरप्राइज़ तो फिर सरप्राइज़ नहीं रहना ना। हाँ, कि 3-4 दिन हो गए बाहर नहीं निकला। अच्छा, इसलिए गोरे हो गए? हाँ, नाक बड़ा लग रहा है ना। नाक हो ही पाया तुमने, ऐसे ऐसे करके बड़ा कर। नाक के सुराख बढ़े। हम लोग पहुँच चुके हैं जी वापसी घर पे, और ये है बिट्टी का सरप्राइज काली थैली में, ठीक है। और ये बिट्टी को सरप्राइज मैंने दिया है, आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। बेटा ऐसा मत करो, पहले तुम बीमारी से वो हुए, लिपटे हुए हो, मत करो ऐसा। सबसे पहले तो ये है, ये है जी एक रसीद, और ये रसीद है इसकी, और इसको खोलते हैं जी। इसके अंदर भी है शायद कुछ, इसके अंदर भी एक बॉक्स है। बॉक्स के अंदर छोड़ दो यार, आपके वो उसके थोड़ी है। पर सर आप ये खाओ ना, मुझे लगता है आपके लिए ये है। ये है जी आपके लिए गिफ्ट बिट्टी, और पहले हमारे व्यूवर्स देखेंगे। ये मैंने बिट्टी का सरप्राइज दिया है। मिला सैम भी देगा। थैंक यू सो मच, और बहुत ही प्यारी और बहुत हसीन है, सबसे प्यारी डब्बी। तो डब्बी के अंदर जो निकल गया है वो अच्छी सी गोल्ड की अंगूठी रिंग। क्योंकि बिट्टी की जो रिंग थी मैंने काट दी थी, तो उस वजह से मैंने इसको नई रिंग बनवा के दी है। थैंक यू। तो और हम लोग आए हैं रोल, रोल खाते हैं मिलके। हाँ वो बनवाई है ना ऑर्डर पे। हाँ, देखो इसका के तुम्हें आ जाए। हाँ, इजी आ जाए, मतलब हाँ, फिट भी कर सकते हैं। ये बिट्टी को जब रिंग वो ऐसी बनवा के देनी पड़ती है, क्योंकि इसके जो है ना ये उंगली यहाँ से ना पतली, पूछो मत, बहुत ही प्यारी है। हाथ तो मेरा आ नहीं रहा नहीं सर। हाँ, ये रोल, और रोल भी लाए थे हम लोग। बस आज जो नेहा और वो हैं गए हुए, बच्चे तीनों गए हैं, मतलब मेरी जो तीनों बेटी हैं ना आज वो घर पे नहीं है, तो हमने मतलब इतना सोचा था, बहुत कुछ सोचा था, तो फिर ये चिकन रोल लाए थे। फिर ये एक सरप्राइज मिल गया बैठे बैठे। कैसी लगी आपको? बहुत ही प्यारी, बहुत हसीन। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? खा ले रोल, वो बदल गया। चलो रोल खाते हैं, पहन लो ना, उतार के क्यों रख दी? वैसे रख दी, मैं पहनते हैं। हाँ बर्थडे में पहनूंगी, सैम की बर्थडे। नहीं बस पहन ही रखो, करो उंगली, बस पहन ही रखो, अपनी उतार लो, ठीक है? ठीक है बिट्टी, यहाँ पे ठंडा करके पानी पी लिए, रोल खा ले तू, और ठंडा मैं देख रहा हूँ, ठंडा पानी उंगलियों पे लगा के पी रहा है। बर्फ को लगा रहे तो समझना क्या हो ना, कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इधर नहीं आ रहे। तुम्हारी कौन सी ठीक है? उधर कांच टूटा होगा, उधर मत जाना। अभी गिलास बिट्टी ने बर्फ डाली, गिलास टूट गया। नहीं बर्फ नहीं डाली, पानी डाल दी, उसका वजन बढ़ा तो वो टूट गया। बर्फ तो अभी डाली नहीं मैंने। आपने सारा वजन उस पर ही डाल दिया उसका, जो था ना इसके अंदर ऐसे में डाल। वही मैं कह रहा हूँ, तो क्या खा ली थी ना, तो क्या पलटी इसके अंदर फंस गई, इसके अंदर सही। ये वाला फंस गया था इसलिए टूट गई, तो मैं कांच उठा दूं, क्योंकि सैम में चप्पल। तो सब्जी तो लाए नहीं बनाने के लिए? सब्जी को पड़ी हुई है क्या? हलीम पड़ा हुआ है। अच्छा हाँ, रात को उन्होंने हलीम बनाई थी ना। हाँ, तो वो देख के गए थे, बहुत टेस्टी था, और हम सब ने खाया भी। तो आज वही खाएंगे? आज वही खाएंगे ना। ये रख लो बंद करके, बाकी सारी जो बन गया। रोल बड़ा मजे का था, पानी इसको भी दो, सबर वेट करो। तुम जूस नहीं पी रही ना बिट्टी? जूस नहीं पी रही ना? सुबह नहीं पिया ना जूस? हैं, सूख जाओगी, सूख जाओगी। मेरे को मैंने अब तुम्हें नहीं कहना, पहले की तरह सूख जाओगी। हाँ
तो आप सब लोग को सरप्राइज कैसा लगा बताइएगा। चाय बनाओ। चाय जान पी तो थी। कब पी थी? याद भूल गया। ये पक्का भी पड़ी हुई है। चाय जो बना के दी थी। तो अभी फिर बना लो ना, वो खाया खाना खाया समझ लो। मैं तो ये भर के रख लूँगा यार। पहले यहाँ तो पहले पानी पी ले या वो फिनिश कर ले। हाँ इधर रख के पियो। एक चीज पकड़ के रखो, या तो रोल हाथ में रखो या तो हाँ पानी पियो सीधे हाथ से पीते। हाँ हमारे 15-20 गिलास टूट गए, स्टील के अभी सोच रहा हूँ। हाँ ऐसे स्टील के लाने, क्योंकि ये गिर भी जाएगा टेढ़ा ही होगा, बट टूटेगा तो नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो अभी बच्चे यार उस दिन भी गिरा इतना बुरा तरीके से, तो मेरे हाथ पे लगा, टेबल पे गिरा तो वो टूट गया है ना, जब आप आपसे गिरा था। हाँ। बस यही है कि घर में कुछ एक्टिविटी नहीं है, बस ऐसे ही सारा दिन हम यही करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी बस वेले हैं। वेले नहीं थे, बस कुछ ना कुछ करते रहे, वेले हो गए हम। सोच रहे हो गया, सोच रहा है कि मैं कहीं जाऊं घूमने फिरने। मैंने इसको बोला वहां पे चले जाओ अकेले घूम के आओ, सही वाला बाइक पे। हां बार आप इतने जगह होते तो मैं अकेला चला ही जाता। क्या मतलब? चैनल कौन संभालेगा? तो आप वही, मैं वीडियो बनाना करूँगी, आप वहीं से डाल देगा। वीडियो की बात होती है ना चैनल पर, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा क्यों नहीं होता? उधर आप भी ब्लॉग बनाना, इधर वो नहीं हो क्या बोलते, मुझे अपलोड नहीं करने आती, समझा मसला होता है। तो अपलोडिंग सीख लो ना। मैंने सब कुछ सीख लिया ना, तो फिर गए हम पहाड़ में। हाँ फिर जाने का ना, अभी शहजाद है ना सुमेरा, जब से आ गई है ना, है ना, तो वो बस बैठा ही रहता है, वो गेम पबजी खेलता रहता है, और वो जाने उसका काम जाने, वीडियो इधर उधर से वो बेचारी फूल करा देती है, तो वो हाँ दिखते ये अभी कहाँ कहीं जाना होता है, बस इसी ने वीडियो ही तो बनानी होती है, और क्या करना होता है, और कोई काम है हमें? तो वीडियो बनाना आसान काम है। मेरा कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ। क्या करना होता है, कैसे बोल रही है? अंजलि को बस अंजलि आ जाए तो बड़ी हो जाए थोड़ी सी, तो फिर मैं उसको बोलूंगी आप बनाओ और आप ही करो अंजलि को। हाँ तो सही बात है ना, सारा दिन मोबाइल में लगी रहती है, कुछ एक्टिविटी कर लेगी। हम तो मोबाइल भी नहीं लगते कभी, मोबाइल मेरा सैम के पास होता है, तो जो तुम कह रहे ज़्यादा डाल।